Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے ایمان والوں پر تاریخی مظالم قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور قسم ہے روز موعود کی اور قسم ہے شاہد و مشہود کی ستاروں اور سیاروں اور ان کی کہکشاؤں والے آسمان اور فیصلے کے دن اور ہر دیکھنے والے اور گواہی دینے والے شخص کی اور ہر واقعے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی تخلیق و قدرت کے گواہ اور پیش آنے والے واقعات کے گواہ ہیں ناس ہو اخدود والوں کا یعنی خوب ایندھن والی بھڑکتی آگ والوں کا جب وہ اس کے سامنے بیٹھے جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و صفاکی کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے اخدود سے مراد وہ گہرے گھڑے ہیں جن کو کھودا گیا ان میں خوب ایندھن ڈالا گیا اور ایمان والوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے اس میں پھینک دیا گیا روایتوں میں متعدد واقعات کا تذکرہ ہے زیادہ رجحان نجران کے اہل ایمان عیسائیوں کا ہے جو 513 عیسوی میں پیش آیا یہودیوں نے ان پر بدترین مظالم کیے اور ہزاروں مومن عیسائیوں کو مارا اور آگ میں جلایا ان مظلوموں کے خلاف ان کا سارا غصہ اور انتقام اس لیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا نگراں ہے جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستایا ہے اور تپایا ہے
अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और झुलसा देने वाली आग का अजाब है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको ऐसे बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही इब्तिदा करता है, वही दोबारा जिंदा करेगा, और वह ईमान वालों के लिए बहुत मगफरत फरमाने वाला और बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला है। साहिब अर्श है, इज्जत व अजमत वाला है, जो चाहता है करता है। क्या तुम्हें फिरौन और कौम समूद के लश्करों के वाकयात मालूम हैं? लेकिन ये काफिर झुटलाने में लगे हैं और अल्लाह ने उनको आगे पीछे से घेर रखा है, और ये बाअज़मत कुरान है, लौहे महफूज में लिखा हुआ है। ये सूरतुल बुरूज की आयत करीमा है, 22 आयतें हैं जो इस सूरह पाक में है, और ये सूरह भी मक्की सूरतों में से एक सूरह है। मक्का मुकर्रमा में ये सूरह नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसे जालिमों का वाकया बयान किया था जिन्होंने ईमान वालों को गढ़े खोद कर और आग का अलाव जला कर उनमें फेंका था। भड़कती आग में जिंदा इंसानों को जलाया था। ये जालिम, ये जल्लाद, ये मुजरिम, ये अपने अपने वक्त के फिरौन, ये बदमाश, बदबख्त और खबीस इंसान, इनका जिक्र किया जा रहा है। मक्के वालों को सुनाया जा रहा है कि तुम क्या हो, आज जो तुम सख्तियां कर रहे हो, जो जातियां कर रहे हो, कभी बिलाल को मारते हो, कभी खुबैब को, कभी खब्बाब को, कभी अम्मार को, कभी सुमैया को, कभी यासिर को, जो तुमने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं और गर्म रेत पर लिटाते हो और सीने पर पत्थर की सिल रखते हो और किसी को अंगारे दहकते अंगारों पर लिटाते हो, इससे बहुत ज्यादा जुल्म यमन की सरजमीन पर हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला ढील देता है जालिमों और मुजरिमों को, फौरी पकड़ नहीं फरमाता है और आजमाइश करता है ईमान वालों की। लेकिन अंजाम बहरहाल फिर ये सामने आता है कि जालिमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है, उनका ऐसा खात्मा किया जाता है, ऐसा भयानक, ऐसा हौलनाक कि भाई जिसकी सिर्फ तारीख महफूज रह पाती है, न उनकी चीखें महफूज रह पाती हैं, न सदाएं, न आवाजें। अगर वो रिकॉर्ड की जाती तो उनकी चीखें सुनकर लोग बदहवास हो जाते। बहरहाल ये सूरह जिसका नाम है सूरतुल बुरूज, इस सूरह की जो पहली आयत है, आमतौर पर जो कायदा है कि पहला लफ्ज़ या पहली आयत में आने वाला लफ्ज़ सूरत का नाम बना दिया जाता है, वैसे यहाँ वस्समा ज़ातिल बुरूज। अब पहली आयत में जो अल बुरूज का लफ्ज़ आया उसको सूरह का नाम करार दे दिया गया, और आसमान बुरजों वाला, बुरज किसे कहते हैं? बुरज का लफ्ज़ अरबी ज़बान में मजबूत किलों के लिए भी इस्तेमाल होता है, महलों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज का जो इस्तेमाल है वो जो दुनियाएं हैं, इस दुनिया से बड़ी जो दुनियाएं हैं इस फजाए बसीत में, जो आपको छोटे छोटे सितारों की शक्ल में नज़र आते हैं और वो भी नंगी आँखों से जो दिखते हैं और फिर जो दूरबीनों से दिखते हैं, वो करोड़ा करोड़ हैं, अरबा अरब हैं, और वो जो छोटा सा सितारा दिखता है वो इस दुनिया से बड़ी दुनिया है। यानी ये जो तहकीक है ये साइंस की तहकीक है, उसका ये कहना है कि इस दुनिया से बड़ी दुनियाएँ हैं, वो बेशुमार हैं।
आजकल बुर्ज का लफ्ज टावर के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें होती हैं उनको भी अब्राज कहा जाता है, एक टावर को बुर्ज कहा जाता है। लेकिन ये तो इस दौर का इस्तेमाल है, पहले तो इस तरह के टावर्स होते नहीं थे, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इस तरह की नहीं होती थी, कई कई मंजिला इमारतें तो बनाई गई। लेकिन यहाँ ये इमारतें मुराद नहीं है बल्कि दुनियाएं हैं, वर्ल्ड्स हैं, आसमान जिनसे सजा हुआ दिखता है, जो एक नीली फिजा दिखती है ये आसमान नहीं है, ये तो हद निगाह है। आसमान के बहुत नीचे, लाखों मील नीचे जो बेशुमार दुनियाएं हैं इस दुनिया से बड़ी, वो आपको ऐसी दिखती हैं जैसे किसी दुपट्टे में छोटे छोटे सितारे टांग दिए गए हों। फासला क्योंकि बहुत ज्यादा है, करोड़ करोड़ मील का फासला है, इसलिए वो इस सितारे की शक्ल में दिख पा रही। और बेशुमार ऐसे सितारे और सैयारे हैं जो दिख ही नहीं रहे, जो दिख ही नहीं सकते, इंसान के पास ये ताकत ही नहीं कि वो उन्हें देख सके, वहां तक निगाह जा ही नहीं सकती, यानी आम निगाह नहीं, दूरबीनें भी नहीं जा सकती। बड़ी बड़ी दूरबीनें तैयार की गई हैं और उन दूरबीनों से बहुत से सितारे दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन जो कुछ दरियाफ्त हुआ है वो तो बहुत थोड़ा है। तो बहरहाल यहां अल्लाह ताला ने जब आसमान का जिक्र फरमाया और कसम खाई, वो आसमान जिस आसमान के नीचे दुनियाएं दुनियाएं हैं, बेशुमार हैं, तुम्हारी इस दुनिया की कोई बिसात नहीं, तुम इसी दुनिया के छोटे से टुकड़े के लिए मरे जाते हो, एक गज के लिए जाने देते हो, मुकदमे लड़ते हो, सर फोड़ते हो, सर फोड़वाते हो, एक जर्रा भी नहीं है, मच्छर का पर भी नहीं। लेकिन इंसान बेचारा जो है बौना, छोटे दिमाग का, छोटी सतह का, ये इसी को सब कुछ समझा बैठा हुआ है। इसलिए अल्लाह कहता है कि भाई सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तुमने देखा क्या है अभी? तो कसम है उस आसमान की, उस फिजाए बसीत की जिसमें बेशुमार सितारे और सैयारे, और कसम है उस दिन की जिसका अल्लाह की तरफ से वादा है और वो आके रहेगा, यानी कयामत का दिन। इसी तरह फरमाया कि हर देखने वाले की कसम और जो कुछ देखा जा रहा है उसकी कसम। ये सारी कसमें तमहीद के तौर पर जिक्र की गई। असलन जो वाकया यहां बयान करना है, अस्हाबुल उखदूद का वाकया, उखदूद कहते हैं गढ़े को, गहरे गढ़े जो खोदे गए, उनमें लकड़ियां डाली गई, तेल और घी डाला गया, लकड़ियां जब भड़कने लगी, आग के शोले उठने लगे, तो जालिमों ने, मुजरिमों और बदमाशों ने ईमान वालों को, जो उस वक्त के ईमान वाले थे, उन्हें कहा कि या तो मजहब बदलो और ना झोंक देंगे आग में। तो उन्होंने कहा कि हमें जलना गवारा है, ईमान नहीं, हम ईमान नहीं छोड़ सकते। ये उनका किरदार था और ये तारीख के किरदार हैं, बहुत से ऐसे किरदार गुजरे हैं। लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, गज़ा की सरजमीन पर उसी तरह के बदमाश जल्लाद फिरौन, वो भी उस वक्त भी वो यहूदी थे, अभी जिक्र आएगा, और आज भी ये यहूदी हैं। ये दुनिया की मलून कौम, मकजूब अलेहिम कौम, ये बंदर सुअर की औलाद, ये खबीस व मुजरिम, ये दुनिया के सीने के ऊपर एक ऐसा बोझ है, एक ऐसी जहन्नम है भड़कती हुई कि जिन्हें न इंसानियत का ख्याल, न मजहब का ख्याल, न दीन का ख्याल, ये ऐसे ऐसे खबीस व मुजरिम हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में कुरान शुरू किया तो इनका जो तज़किरा किया वो अल मग़दूब अलैहिम से, यानी जिन पर अल्लाह का गज़ब भड़का है। इनमें वो भी है जो नबियों की औलाद थे, लेकिन जब बिगड़ते हैं, अच्छे भी जब बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। अच्छा खाना सड़ता है तो सबसे ज्यादा बदबूदार होता है। तो जो अच्छों की औलाद थे, बिगड़े, जब बिगड़े तो ऐसा बिगड़े, ऐसा बिगड़े कि कुरान में उनके लिए मलून का लफ्ज बोला गया।
यहाँ भी उन्हीं मुजरिमों की कहानी सुनाई जा रही, यहूदी खबीस यहूदियों की कहानी सुनाई जा रही है सूरतुल बुरूज में, जिन्होंने उस वक्त के सच्चे हजरत ईसा को सदाकत के साथ मानने वाले ईमान वालों पर जुल्म किया था। जो हजरत ईसा को मानते थे कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे, उन लोगों पर ये जुल्म ढाया गया था। अब ये जुल्म कब ढाया गया, कहाँ ढाया गया, ये वाक़यात कहाँ पेश आए, इसके बारे में मुफस्सरीन ने जो कुछ लिखा है, मौर्रिखीन ने जो कुछ लिखा है इस्लामी तारीख़ों में और इस्लामी किताबों में और तफासीर में, ज़्यादातर ये कहा गया है कि ये वाक़या नजरान का है, और नजरान यमन के नॉर्थ का एक इलाका है। आज वो इलाका अब सऊदी ममलकत में दाखिल हो गया है, यानी सऊदियों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, वो यमन था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहीं से ईसाइयों का वफ़द सन 9 हिजरी में आया था। सन 9 हिजरी में मदीने मुनव्वरा जो ईसाई आए थे, बड़े ज़बरदस्त वफ़द को लेकर 60 की तादाद में थे और बड़े करोफर के साथ आए थे, वो नजरान के इलाके से ही आए थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस्लाम समझ नहीं रहे थे और अपनी ईसाइयत के फ़लसफ़े का तस्करा कर रहे थे और एक में तीन और तीन में एक इस फ़लसफ़े में उलझे हुए थे। और नबी ये फरमा रहे थे कि भाई ईसा अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के नबी थे, वो ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे थे ना तीन में के एक थे, ये सब फजूलियात हैं। और जब वो बात समझ ही नहीं रहे थे तो जो आखिर में कुरान पाक में जिक्र किया गया कि ये कहा गया, अल्लाह के हुक्म से कहा गया कि आओ मुबाहला करो, उसी मौके पर नबी ने मुबाहले की दावत दी। और मुबाहला क्या होता है? मुबाहला ये होता है कि जो फरीक बात नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, हुज्जतें पेश कर रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे हैं, दलीलें नहीं कबूल कर रहा है, हुज्जत कबूल नहीं कर रहा है, तो फिर आखिरी एक रास्ता ये है कि भाई आइए खुली जगह पर कहीं भी आ जाइए, आप अपना फरीक ले आइए, मैं अपना फरीक ले आऊँ, और दोनों अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि अल्लाह हक जाहिर फरमा दे, जो हक पर हो उसको फतेह दे और जो बातिल पर हो उसको भस्म कर दे, उसको अजाब दे, इसको मुबाहला कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के जो अल्फाज हैं जिसमें ये बात फरमाई गई कि हम अपनों को बुलाएं, अपनी ख्वातीन को बुलाएं, अपने बच्चों को बुलाएं, तुम अपने लोगों को बुलाओ, और फिर आते हैं मैदान में और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं। तो ये वो मौका है, तमाम मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं, ये वो मौका है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, और बच्चे थे हसन हुसैन उनको लिया कि औलाद से मुराद ही हसन हुसैन और बेटी फ़ातिमा, और उस अली को आपने इसमें शुमार किया, मिन अनफुसिना, यानी वो तो हमारी ज़ात हैं। कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अनफुसिना व अनफुसिकुम का, तुम्हारे लोग हमारे लोग, तो हमारे यानी जो हमारे यकजान दो कालब हैं, जो हमारा ही वजूद है, जो हमारी ज़ात है, उसमें हजरत अली को आपने रखा, और औलाद में उनको रखा, और ख़वातीन में जाहिर है कि वह औलाद में भी और ख़वातीन में हजरत फ़ातिमा को। ये कुल काफिला था बिल इतफाक, बिल इतफाक, इसमें कोई और नहीं था, न हुज़ूर की अजवाज थी, न ख़ानदान के लोग थे, और न सहाबा में से कोई एक भी था, सिर्फ आप इनको लेकर सामने आए, कहने लगे मैं तैयार हूँ, मैंने इनको बुला लिया, और एक कंबल उन पर इस तरह आपने डाल दिया जैसे एक साया कंबल का हो जाए, और उसके बाद कहा कि आप आइए। अब जाहिर है कि उनके तो बच्चे यमन में थे, उनकी औरतें यमन में थी, लेकिन जो वफ्द आया था उस वफ्द को दावत दी कि आप भी आ जाइए, और हम लोग अल्लाह ताला से अब गिड़गिड़ा के मांगते हैं कि अल्लाह हक जाहिर फरमा दे, आपके बात से समझ में नहीं आ रही, मैं दलीलें पेश कर रहा हूँ तो दलीलें आप कबूल नहीं कर रहे, तो अभी एक रास्ता रह गया। उन लोगों ने कहा कि हुजूर हमें मोहलत दे, हम लोग ज़रा मशवरा कर लें। आपने कहा ठीक है भाई, आप मशवरा करना चाहते हैं मशवरा कर लीजिए।
तो वो लोग अपने मुस्तकर पे गए जहाँ ठहराया गया था, और वहाँ जाकर जो आपस में बात हुई, जो फिर रिवायात में आई है, उन्होंने कहा कि देखो अगर हमने मुबाहला किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, कोई जिएगा नहीं, इसलिए हम लोग मुबाहला नहीं करेंगे, हम लोग उनसे सुलह करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि भाई हम अपने मज़हब पर रहना चाहते हैं, आप अपने मज़हब पर कायम हैं, अब हम अपने मज़हब पर रहते रहें और आपके साथ भी रहें, जो शक्ल इसकी मंजूर हो वो आप मंजूर फरमा लीजिए। तो जब वो दूसरी मरतबा हाजिर हुए और उन्होंने ये बात रखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, फिर आप हमारी ममलकत और हमारी हुकूमत और हमारे निज़ाम इमारत के मातहत रहेंगे और आप हमारे शहरी होंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, आपको सताया नहीं जाएगा, आपके जो गिरजा हैं वो महफूज रहेंगे, आप अपनी इबादत करें, आपका पर्सनल लॉ महफूज रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपको एक टैक्स देना होगा सालाना, थोड़ा सा एक छोटा सा टैक्स देना होगा, और वो ये कि आपकी जो आबादी अच्छी खासी बड़ी आबादी है, उस पूरी आबादी की तरफ से आप यमन की जो चादरें होती हैं जो वहीं के कारखाने में बनती हैं उनके 2000 जोड़े साल में आपको भेजने होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल कबूल कबूल, ये तो बहुत हल्की बात थी उनके लिए, वो तो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बनते और बिकते थे, तो साल में एक मर्तबा ये चादरें भेज दी जाएंगी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाद में ये भी बात हुई कि भाई चादरों के बदले में दीनार भेज दें, ये बाद के दौर की बात, लेकिन शुरू में ये बात हुई और वो इस पर मुत्तफिक हो गए, और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाइज्जत उनको रुख्सत कर दिया, उनके मजहब से छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि जबरन किसी को मुसलमान बनाया जाए, किसी पर ज़्यादती की जाए, इसकी इजाज़त नहीं, हर शख्स को इख्तियार हासिल है कि अगर वो अपने मज़हब पे बाकी रहना चाहता है तो बाकी, जंग न छेड़े, अमन के खिलाफ अमल न करे, अगर ऐसा करेगा तो फिर उसकी सज़ा पाएगा, वरना वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह मुस्लिम स्टेट में रहेगा, और एक मामूली टैक्स जो मुसलमानों के टैक्स से कम है, क्योंकि मुसलमानों को 2.5 रुपये फी सैकड़ा साल में ज़कात देनी होती, जिनके पास भी इतनी रकम है कि सेविंग में उनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी मकदार की रकम है महफूज रही, वो इस्तेमाल में नहीं आई है, तो उसको फिर उसकी ज़कात अदा करना है 2.5 रुपये फी सैकड़ा के एतबार से। इसी तरह ज़कात का जो निज़ाम है, जो लोग जानवर रखते हैं और उनकी नस्ल की अफजाइश करते हैं, उनके कारोबार करते हैं, कोई बकरों का कर रहा है, कोई भैंस का कर रहा है, कोई गाय का कर रहा है, कोई ऊँट का कर रहा है, तो उसकी भी एक मकदार मुतय्यन की है शरीयत ने कि इतनी तादाद में अगर आपके पास ये जानवर होंगे तो आपको ज़कात में ऐसा देना होगा, 40 बकरियाँ होंगी मसलन तो आपको 1 बकरी देनी होगी, वगैरह वगैरह इसकी तफसीलात हैं। और इसी तरह जो खेती बाड़ी होती है तो खेती बाड़ी में ये है कि भाई जो आपको अल्लाह ताला अता फरमा रहा है उसका 1/10 हिस्सा देना होगा, अगर बारिशों से और जो ज़मीन की तरी है उससे सहरा भी हो जाती है, वरना 20वां हिस्सा देना होगा अगर आप उसकी सिंचाई वचाई पर सरफा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बहुत मुख्तसर सी एक मकदार जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन मुसलमानों पर ज़्यादा है, जो मुसलमानों पर टैक्सेस हैं ज़कात और दीगर चीज़ें वो ज़्यादा हैं, और गैर मुस्लिम से जो मुस्लिम स्टेट में लिया जाता है वो कम है, नॉमिनल है। अब उसको भी, उसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया कि मुसलमान जुल्म करते हैं और वो उनसे टैक्स लेते हैं, उसको जिज़िया कहते हैं। अरे भाई मुसलमान तो रहम करते हैं, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, किसी पर ज़्यादती नहीं करते, किसी का हक़ नहीं छीनते, उनको उनकी इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त देते हैं, उनके पर्सनल लॉ की इजाज़त देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते। और आज भी जबकि मिसाली हुकूमतें नहीं हैं, मराकश से इंडोनेशिया तक किसी मुल्क में गैर मुस्लिमों से छेड़छाड़ नहीं हो रही, लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम
दुबई में, अबू धाबी में, ओमान में, कुवैत में, सऊदीया में, करोड़ों की तादाद में सारे मुल्कों में मौजूद हैं और अरबा अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं। हिंदुस्तान को और दीगर ममालिक को जो दौलत मिल रही है उसमें बहुत बड़ी दौलत खलीज के मुल्कों से, और उनका हाल ये है कि वो शानदार मकानात दे रहे हैं, कारें दे रहे हैं, मुलाजमतें दे रहे हैं, ऐसी तनख्वाहें दे रहे हैं जो तनख्वाहें यहाँ वज़ीर आज़म को नहीं मिलती। तो मुसलमान मुल्क आज भी जबकि इस गई गुजरी हालत में है और पूरी तरह इस्लाम नाफिज नहीं है, उस हालत में भी मुसलमान तो दे रहे हैं। कहीं पर भी कोई किसी एक हिंदू को ना इंडोनेशिया में मारा गया, ना मराकश में, ना अलजजायर में, ना लीबिया में, ना कहीं भी है। और ये खलीजी मुल्क है, इनमें किसी एक को भी सताया नहीं गया। उसके बरखिलाफ इंडिया में देख लीजिए और दीगर ममालिक में कि हज़ारों मुसलमानों को तह तह किया गया, लाखों को फसादात में तबाह किया गया। कोई कोई मुकाबला है? और वो यहूदी जिनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने पनाह दी, मराकश में पनाह दी, टर्की में पनाह दी, अपने मुल्कों में पनाह दी, जबकि वो ईसाई उनको मार रहे थे, कूट रहे थे और उनकी उनकी रिहाइश बर्दाश्त नहीं थी, सिर्फ मुसलमान मुल्कों में उनको पनाह मिली। अब उनका देखिए हाल, देखिए उनकी नाशुक्री और उनकी बदमाशी और खबासत के मुसलमानों के मुल्क पर, मुसलमानों के इलाके पर कब्जा करके मुसलमानों को बेदखल करते रहे, लाखों को निकाला, हज़ारों को शहीद किया और बेशुमार लोगों को ज़ख्मी किया और जेलों में डाला। ये वो ये कर रहे हैं, ये क्या बात है? ऐसा ऐसी खबासत क्यों होती है? बस यूँ ही कि भाई सांप तो सांप रहेगा, सांप को आप कितने ही दूध पिलाइए और कितनी खिदमत कीजिए, सांप का काम है डसना, वो डसेगा। दरिंदों को आप पालिएगा और उस पर एतमाद कीजिएगा, किसी न किसी वक्त हमला करेगा, चीर फाड़ कर देगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फितरत बिगड़ गई और वो दिख रही, और दोनों की फितरत बिगड़ गई, यानी ईसाइयों के अंदर रहमदिली थी और आज भी जो सबसे ज़्यादा दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ वो ईसाई, मुसलमानों से भी ज़्यादा, यानी बरतानिया में और फ्रांस में और अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर निकले फ़िलिस्तीन के हक में, और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ें बुलंद की, अपनी हुकूमतों के खिलाफ उन्होंने सख्त मुतालबात किए। आज भी, इससे पहले इराक की जंग हुई और जहाँ जहाँ की जंगें हुई, तो लंदन की सड़कों पर लाखों ईसाई बाहर निकल आए जंगों के खिलाफ। तो ईसाइयों के अंदर एक नरमी अल्लाह ने रखी है, अगर सही माना में ईसाई हैं, लेकिन जब वो यहूदियों की सोबत में रहते हैं और यहूदी मकासद पूरे करते हैं तो यहूदियों से भी बदतर हो जाते हैं। जैसे इस वक्त की अमेरिकन हुकूमत, बरतानवी हुकूमत, फ्रांसीसी हुकूमत, जर्मन की हुकूमत, ये सब वो हुकूमतें हैं इस वक्त के जो इतनी खबीस, इतनी बदमाश, बंदरों सुअरों से गलीज, और इनके लिए लफ्ज़ नहीं है लुगत में, लफ्ज लुगत में ख़त्म हो गए हैं, इनके मजालिम इतने हैं। और यानी कि हम लोग मुसलमान कह रहे हैं, इनकी सड़कों पर ईसाई इन पर लान तान कर रहे हैं, इन्हें गालियां बक रहे हैं अपनी हुकूमतों के खिलाफ। जैसे पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हुकूमत, जो हुकूमत में लोग हैं, ये बंदर सुअर खबीस और मुजरिम हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं फौज के जो अमरीकी कुत्ते हैं, और अदालत में जो अमरीकी कुत्ते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन में कुत्तों के पिल्ले हैं, ये जो सारे मुजरिम और खबीस जो इकट्ठा हो गए हैं और एक ऐसे मुल्क पर इन्होंने कब्जा किया है, उसको यरगमाल बनाया है कि बस वहाँ के आवाम चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, तो आवाम को मारते हैं और हज़ारों को जेलों में डाल दिया है। और जिसकी हुकूमत थी उसकी हुकूमत अमेरिका के हुक्म से तोड़ी और उसको जेल में डाला। ऐसे चोर, ऐसे कज़ाक, ऐसे डकैत, इतने बेशर्म और बेहया दुनिया में अगर होंगे तो इसराइल में होंगे। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ, ऐ खबीसो, तुम्हारे अंदर इसराइल है, तुम्हें फ़लस्तीन जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जंग करो। अपने मुल्क के जो सहयोनी और सलीबी हैं और अमरीकी कुत्ते हैं, उनसे जंग करो। 2 साल से मुसलसल मैं ये कह रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ,
तो शुरू शुरू में जब मैंने ये कहा तो बहुत से पाकिस्तानी चिढ़े और मौलवी तबका ख़ास तौर पर परेशान हो गया कि भाई आप यहाँ के बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल मानोगे। और अल्लाह का ये करना हुआ कि माँ के मौलाना फजलुर्रहमान साहब मौलवी तबके के सियासी लीडर और वो अब वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। अब उन्हें कहना पड़ रहा है कि फौज डकैत है, पुलिस डकैत है, हुकूमत डकैत है, ये मुजरिम और खबीस लोग हैं जो मुसल्लत हुए हैं, ये आज उन्हें कहना पड़ रहा है। इसलिए मैं मौलवियों से कहता हूँ कि तुम्हें देर लगती, तुम्हारे दिमाग ठहरे रहते हैं। तलबा से कहता हूँ, असाज़ा से कहता हूँ, जो बात हम यहाँ बैठकर समझ लेते हैं और उसको बोलते हैं वो तुम्हें देर से समझ में आती है, लेकिन वो समझ में आती है और आएगी। तो जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है, चंद साल पहले यही सूरत हाल मिस्र की थी, जहाँ मुर्सी की हुकूमत को ख़त्म किया यहूदी कुत्तों ने, खबीसों ने, बदमाशों ने। और आज भी वो मुसल्लत है जिसका नाम सीसी है, खबीस मुजरिम। अरब मुल्कों पर जो इस वक्त हुकूमत है मुसल्लत है, खबीसों की हुकूमत, मुजरिमों की हुकूमत और यहूदियों के जूतियाँ चाटने वालों की हुकूमत। इनको मुसल्लत किया गया, साम्राज्य ने इनको मुसल्लत किया, मुसलमानों ने नहीं मुंतखब किया। आज इलेक्शन हो जाए साफ सुथरे, सारी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी जितनी भी अरबों में हैं, सारी ख़त्म हो जाएगी, एक बाकी नहीं रहेगी। लेकिन वो डिक्टेटर हैं, फिरौन, जल्लाद, खबीस, वो मुसल्लत हैं आलम इस्लाम पर, अवाम पर, मुसलमानों पर। उन्हें दबाना है, उन्हें कुचलना है, उन्हें मारना है। कोई इस्लामी तहरीक उठ ना सके, कोई इस्लामी शख्सियत सर उठा ना सके, ये मिशन है। ये मिशन जाहिर है सहयूनियों सलीबी है, और क्योंकि उन्हें सलीबियों सहयूनियों ने कायम किया है इसलिए उनकी ये सूरत हाल है। अब यहाँ आप देखिए, कहते हैं मौरखीन के हिमियर, यमन हिमियर कहलाता था, उसका बादशाह था तुब्बान असद अबू करिब। वो एक मरतबा यसरब गया, मदीने को यसरब कहते थे, और वो यहूदियों से मुतासिर होकर यहूदी बन गया। बनी कुरैज़ा के दो यहूदी आलिमों को अपने साथ यमन ले गया, वहाँ उसने बड़े पैमाने पर यहूदियत की इशात की। उसका बेटा ज़ू नुवास उसका जानशीन हुआ और उसने नजरान पर, जो जुनूबी अरब में ईसाइयों का गढ़ था, हमला किया ताकि वहाँ से ईसाइत का खात्मा कर दे और उसके बाशिंदों को यहूदियत इख्तियार करने पर मजबूर करें। तो इब्न हिशाम ये लिखते हैं कि ये लोग हज़रत ईसा के असल दीन पर कायम थे। अब नजरान पहुंचकर उसने लोगों को दीन यहूद कबूल करने की दावत दी, उन्होंने इनकार किया। इस पर उसने बकसरत लोगों को आग से भरे हुए गढ़ों में फेंक कर जलवा दिया, बहुत सौ को कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि मजमूई तौर पर 20,000 आदमी मारे गए थे। 20,000 ईमान वालों को जला दिया, जिंदा जला दिया गया। अहले नजरान में से एक शख्स दोस्त ज़ू सालबान भाग निकला और एक रिवायत की रूह से उसने कैसर रूम के पास जाकर, और दूसरी रिवायत में यह है कि हबश के बादशाह नजाशी के पास जाकर उसने जुल्म की शिकायत की। और फिर पहली रिवायत की रूह से कैसर ने हबश को लिखा के बादशाह को लिखा, दूसरी रिवायत की रूह से नजाशी ने कैसर से बहरी बेड़ा फराहम करने की दरख्वास्त की। बहरहाल आखिरकार हबश की 70,000 फौज अरियात नामी एक जनरल की क़यादत में यमन पर हमलावर हुई, और ये जो ज़ू नुवास था, ये खबीस मुजरिम जिसने हज़ारों ईसाइयों को जो उस वक्त अहले ईमान थे मारा था, तो जब अरियात की फौज यमन पर हमलावर हुई तो ज़ू नुवास मारा गया और यहूदी हुकूमत का खात्मा हो गया। अब ये जो इस्लामी मौरखीन के बयानात हैं इनकी तस्दीक होती है ईसाई मौरखीन के बयानात से भी, और जिन लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया में मजामीन लिखे हैं उनके बयानात से भी। तो यमन पर सबसे पहले ईसाई हबशियों का जो कब्ज़ा हुआ था वो 340 में हुआ था और सन 378 तक जारी रहा था। उस ज़माने में ईसाई मिशनरी यमन में दाखिल होने शुरू हुए, उसी के करीब दौर में एक जाहिद और मुजाहिद और साहिब कशफ व करामत ईसाई सयाह जो फेमियून नामी थे
वो नजरान पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को बुत परस्ती की बुराई समझाई और उसकी तबलीग से अहले नजरान ईसाई हो गए। इन लोगों का निज़ाम तीन सरदार चलाते थे, एक सैयद कहलाते थे जो कबायली शयूख की तरह बड़े सरदार और खारजी मामलात और मुआहदात और फौजों की क़यादत के जिम्मेदार थे, दूसरे आक़िब जो दाखिली मामलात के निगरान थे, और तीसरे उसकुफ़ जो मजहबी पेशवा होते थे। तो जुनूबी अरब में नजरान को बड़ी अहमियत हासिल थी, एक बड़ा तजारती और सनती मरकज़ था, चमड़े और असलहा की सनतें यहाँ चल रही थी और मशहूर हुल्ले यमानी यानी दो चादरों का जो जोड़ा होता था वो तैयार होता था। इसी बिना पर महज मजहबी वजूह से ही नहीं बल्कि सियासी और माशी वजूह से भी ज़ुनुवास ने इस अहम मकाम पर हमला किया। नजरान के सैयद हारसा को, जिसे सुरियानी मौरखीन एरिथोस लिखते हैं, कत्ल किया, उसकी बीवी रोमा के सामने उसकी दो बेटियों को मार डाला और उसे उनका खून पीने पर मजबूर किया, फिर उसे भी कत्ल कर दिया और उसको जो पॉल नामी था उसकी हड्डियां कब्र से निकाल कर जला दी और आग से भरे हुए गढ़ों में औरत मर्द बूढ़े पादरी राय सबको फेंकवा दिया। मजमूई तौर पर 20 से 40 हज़ार तक मकतूलीन की तादाद बयान की जाती है। ये वाक़या अक्टूबर सन 523 ईस्वी में पेश आया था। आखिरकार सन 525 में हबशियों ने यमन पर हमला करके ज़ुनुवास और उसकी हिमेरी सल्तनत का खात्मा कर दिया। और बहरहाल ये वो तहकीकात है जो ईसाइयों के यहाँ भी लिखी हुई हैं, बहुत तफसील के साथ इन वाक़यात का तस्करा किया गया है। लेकिन देखिए होता यह है कि जो हुकूमत में आता है फिर उसके दिमाग ख़राब होते हैं। अब ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई यमन में यहूदियों के बाद, फिर ईसाइयों में अब्रहा नाम का जो हबशा से कमांडर आया था उसके दिमाग में एक फितूर सवार हुआ कि ये जो अरब है इसमें काबे की जो अहमियत है उसकी वजह से सब लोग यात्रा करते हैं काबे की, और काबा एक तिजारती मंडी बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द का माहौल सारा माल वहीं जाता है और उसको सेंटर प्लेस की हैसियत हासिल हो गई, तो मैं यमन में एक काबा बनाऊंगा। तो उसने काबे का मुतबादल यमन में बनाया और ये कहा कि ये असल काबा है। उसके बाद जाहिर है कि ईसाई जो है वो चक्कर लगाने लगे और फिर अब यात्रा के लिए आने लगे। अब इस पर अरब जो हैं वो तो झुल्ला गए, उनको आग लग गई। एक एक अरबी गुस्से में गया और उसने उस इमारत के अंदर पैखाना कर दिया, गलाजत गदर डाल दी। इस पर जो फिर अब्रहा का दिमाग ख़राब हुआ है कि वो बिल्कुल पागल हो गया, उसने कहा कि अब हम इनका काबा तोड़ के रहेंगे। फिर वो एक बड़ा लश्कर जिसमें हाथी भी और घोड़े भी और ऊंट भी और हज़ारों की फौज भी, उसको लेकर निकला था नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश से एक साल पहले। ये 570 का वाक़या है। पूरा लश्कर जर्रार लेकर निकला, मक्के की तरफ चला कि अब हम इस काबे का खात्मा कर देंगे, इसको तोड़ के ख़त्म कर देंगे ताकि काबा सिर्फ यमन का बाकी रह जाए। लेकिन ये लश्कर अभी मक्का मुकर्रमा के अंदर पहुंचा नहीं था कि अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत का तो फ़ैसला था ही। उधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के जो दादा थे उन्होंने लोगों से कहा कि भाई अल्लाह हिफाजत करेगा, हम लोग तो मुकाबला इनका नहीं कर सकते, ये ऐसा बड़ा लश्कर है, हमारे पास ना वो असलहा ना वो ताकत, लेकिन हम लोग यहाँ से आबादी से निकल कर पहाड़ों पर बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह के हवाले करते हैं इस काबे को, इसलिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो फैसला हुआ वो फैसला है जिसका तज़किरा किया गया है कुरान पाक की सूरतुल फील में, हाथी की सूर है, उसका नाम रख दिया हाथी की सूर है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या देखा नहीं तुमने कि क्या अल्लाह ने अंजाम किया, क्या किया हाथी वालों के साथ, उनके मकर को, फरेब को, साजिश को, उनके हमले को किस तरह खुदा ने तबाह बर्बाद किया। और फिर उसके बाद झुंड के झुंड परिंदे भेजे जिनके पंजों में कंकरियां थीं, छोटी छोटी सी जैसे मोरंग की ज़रा मोटी कंकरी होती है, इस तरह की कंकरियां थीं जो उन्होंने बारिश की तरह बरसा दी। ये परिंदे से पहले देखे नहीं गए थे, ये अजीब तरह के परिंदे थे।
और झुंड के झुंड छा गए। अबाबील कोई परिंदा नहीं होता, अबाबील झुंड के झुंड को कहते हैं, लेकिन ख़ास किस्म के परिंदे थे जो पूरी फिजा पर छा गए और उन्होंने उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियाँ थी, वो कहाँ से लाए थे वो न्यूक्लियाई पावर वाली कंकरियाँ कि उन्होंने बरसाई। वो कंकरियाँ जब बरसी हैं तो जिस पर गिरती थी उसका गोश उदड़ता चला जाता, हड्डियाँ उसकी टूटती और बिखरती चली जाती, पूरा बुरादा बन जाता। यानी जिस शख्स पर भी वो कंकरी गिरती बस उसका पूरा जिस्म पिघल जाता, पूरा जिस्म उसका बिखर जाता और ऐसा कि जैसे भूसा हो चारा खाया हुआ। ये मंजर पेश किया गया। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ऐसे परिंदों के झुंड भेजे जो पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे कंकर उन पर बरसा रहे थे और उनको ऐसा कर दिया गया जैसे खाया हुआ भूसा। जब अल्लाह का गज़ब तारी होता है तो जलजले के एक झटके में एक एक लाख इंसानों का कीमा बन जाता है। इमारतें इस तरह गिरती हैं जैसे कोई आप खोरा तोड़ के फेंक दे, तोड़ आप खोरा मारे और टूट जाए वो। वैसे बड़ी बड़ी इमारतें, ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंगें में लोहा ही लोहा और ज़बरदस्त सीमेंट, किस तरह से वो सब तोड़ के बिखेर कर रख दी जाती है। जब अल्लाह का आर्डर होता है समंदर को सुनामी, यानी समंदर का ऐसा तूफान के पानी की जो लहरें हैं वो कई कई सौ फिट ऊपर उठती हैं और तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हैं कि पूरा का पूरा गांव इस तरह उसके मुंह में आता है जैसे एक निवाला लिया हो और उस सारे सारे पक्के घर वो बहा के ले जाती तिनकों की तरह। यमन में जो सुनामी का वाकया पेश आया था, यमन में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में जो वाकया पेश आया, वहाँ जो तूफान आया था वो तूफान नूह की तरह के हज़ारों मील दूर इंडोनेशिया, वहाँ से जो लहरें चली थी उससे मद्रास भी मुतासिर हुआ और बीच में श्रीलंका मुतासिर हुआ, फिर उसके बाद अफ्रीका तक ये लहरें पहुँची और कीनिया मुतासिर हुआ, सोमालिया और कितने जो इलाके हैं कहाँ की लहरें 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 किलोमीटर तक ये तूफान था जो कितने इलाकों को बहा ले गया। तो जिस वक्त अल्लाह का फैसला होता है तो वो तूफान की शक्ल में हो या जलजले की शक्ल में हो या और किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह ताला ने अजाब की शक्लें जिक्र की हैं। कौम नूह पर जो अजाब आया, कौम आद पर आया, कौम समूद पर आया, कौम लूत पर आया, कौम शुएब पर आया, ख़ास तौर पर इन कौमों का तस्करा किया गया है कि जो अरबों के इर्द गिर्द थी, यानी जिन इलाकों से अरब के लोग वाकिफ़ थे और इससे भी वाकिफ़ थे कि वहाँ जो अजाब आया था उसके नतज क्या निकले। ये बातें उनके शेर व शायरी में चलती थी और किस्से इसके सुनाए जाते थे। कुरान ने जब वो वाकयात बयान किए तो कोई झुठला नहीं सका। बहरहाल इनका भी बुरी तरह खात्मा हुआ, ये यहूदी जो जुल्म करते रहे, फिर इनका जब खात्मा हुआ तो इन पर फिर इसी तरह उन्होंने ज़ातियाँ की जो फ़ौज हबशे से यमन में आई और फिर ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई, फिर ईसाइयों ने मजालिम किए उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, फिर ईरान की हुकूमत यमन पर कायम हो गई। जब मुसलमानों ने यमन फ़तेह किया है तो उस वक्त यमन ईरान की कॉलोनी थी, मुसलमानों ने यमन फतह की। अब जो मुसलमानों ने यमन फतह किया उस वक्त से आज तक माशाल्लाह यमन मुसलमानों के हाथों में है। हुकूमत करने वाले लोग बदलते रहे, ये तो हर जगह होता रहा, लेकिन बहरहाल वो उनके हाथों से फिर निकला नहीं। जब से मुसलमानों के हाथों में यमन आया, ओमान का इलाका आया, हज़रमौत का इलाका आया और ये पूरा जज़ीरतुल अरब आया, बल्कि इराक जो ईरान के मातहत था और सीरिया जो रोमन एम्पायर के मातहत था और इजिप्ट जो रोमन एम्पायर के मातहत था और अल्जीरिया और ट्यूनिसिया, ये सारे के सारे इलाके रोमन एम्पायर के मातहत कॉलोनियाँ थीं। मुसलमानों ने जब इनको हासिल किया तो आज तक कोई उनसे छीन नहीं सका, लेकिन वो जो सहयूनी और सलीबी है वो जले हुए, जले भुने हुए।
इसलिए वो जैसा भी इंतकाम ले सकते और जब ले सकते हैं तो बस उस वक्त फिर उनकी पूरी वहशियत, उनकी दरिंदगी सामने आती। मुसलमानों ने ये इलाके फतेह किए तो जुल्म नहीं किया बल्कि अक्सरियत ने इस्लाम कबूल किया। अपने हुक्मरानों से वो तंग आ चुके थे और दुआ करते थे कि इनको कोई ख़त्म करने वाला आ जाए। इसलिए जब मुसलमानों ने आगे बढ़कर उन ताकतों के ख़िलाफ़ हमला किया गया जिन ताकतों ने आवाम पर जुल्म कर रखा था, तो वो ताकतें ज़ेर हुई और आवाम सारे के सारे मुसलमानों के साथ हो गए। इसलिए मुसलमानों ने कहीं पर भी फसाद नहीं होने दिया और आवाम पर कहीं जुल्म नहीं होने दिया। मुसलमानों का जो भी टकराव हुआ, कहीं भी हुआ, वो टकराव हुआ जालिमों से, मुजरिमों से, फौजों से, हुकूमतों से, और उनसे टकराव हुआ इस मकसद की खातिर के इंसानियत का तहफ्फुज किया जाए और इन जालिमों का खात्मा किया जाए। बहरहाल सूरतुल बुरूज में यह है वो वाकया जो तफसील के साथ तारीख में मौजूद है। और कुरान पाक में सिर्फ ये फरमाया गया है कि जो उखदूद वाले लोग थे, यानी जिन्होंने गढ़े खोदे थे और आग भड़काई थी और ईमान वालों को उनमें जलाया था और बैठ कर तमाशा देख रहे थे। अब ये देखिए, जब इंसान की इंसानियत मर जाती है और वह दरिंदों से बदतर हो जाता है तो वो तमाशा देखता है, वो देखता है कैसे चिथड़े उड़ रहे हैं, कैसे चीखे हैं, कैसे मर रहे हैं। इस वक्त यही सूरत हाल गज़ा की है कि देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आजकल तो टीवी के जरिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरब देख रहे हैं, यहूदी देख रहे हैं, ईसाई देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इमारत कैसे गिरी और इस इमारत में बूढ़े और औरतें और बच्चे कैसे मरे और कैसे लोग चीखते रहे, ये मंजर देख रहे हैं। और जैसे उस वक्त के ईमान वाले थे कि उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, हम जल सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन ईमान नहीं बेच सकते। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की शान है, इस्लाम का मौजिज़ा है कि गज़ा के बच्चे बच्चे की जबान पर यह है कि हम जान दे सकते हैं, इलाका भी नहीं छोड़ेंगे और हम इनके दबाव में नहीं आएंगे। ये मौजिज़ा नहीं तो और क्या है? अगर वो ये कहें कि भाई हम यहूदी बन जाते हैं, हम ईसाई बन जाते हैं, अरे हमें मत मारो भाई, हम इन हमास वालों को छोड़ते हैं, इनसे तौबा करते हैं। एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि भाई हमास वालों ने हम पर ज़्यादती की है, उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हर बच्चा, हर औरत, हर माँ जिसके बच्चे उसके सामने शहीद हुए, वो ये कहते हैं हम हमास के साथ, हम उनके साथ हैं जो इन मुजरिमों से जंग कर रहे हैं, हम शहीद हो जाएं ये गवारा है, लेकिन हम अपनी इस सरजमीन को, फलस्तीन को छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा ईमान सामने आया है कि बस सहाबा के दौर में यह ईमान देखा गया था। जो ईमान अल्लाह ताला ने सहाबा को नसीब फरमाया, या अस्हाबुल उखदूद, यहाँ वो लोग जो उखदूद में झोंके गए उनके ईमान का तस्करा है, या माजी में जब जब ऐसे ईमान वालों की आजमाइश हुई कि जिन्होंने सब कुछ कबूल किया, ईमान अपना नहीं छोड़ा, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर फलस्तीन में बिलखसूस गज़ा की सरजमीन पर है। इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम गज़ा वालों के साथ है। सिर्फ वो लोग साथ नहीं हैं जो खबीस, मुजरिम, बदमाश दौरे जाहिलियत के अरब हैं, दौरे जाहिलियत के अरब मुनाफिक, मुजरिम, मुशरिकों से बदतर अरब है। सिर्फ ये खबीस है जो तमाशे देख रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं और दावतें उड़ा रहे हैं और खा रहे हैं और पैसा फेंक रहे हैं और खाना फेंक रहे हैं और वहां भूख से बच्चे मर रहे हैं और हमलों से मर रहे हैं, तो इनसे ज्यादा बदतर कोई वजूद नहीं है। मुसलमानों याद रखो कि यहूदी तो यहूदी है, मलून है, मगजूब अलैहिम है, बंदरों सुअर है और आखिरी दर्जे के खबीस, लेकिन ये मुसलमान आले सऊद, आले नाहियान और मिस्र का सीसी और इस तरह के जो हुक्मरान, ये उनसे भी बदतर हैं, क्योंकि उनके जूते हैं, ये उनकी गलाजतें हैं, ये उनका थूक है, ये उनकी कह है। इसलिए जो भी लोग, खासतौर पर वो मौलवी मुल्ला जो अपने को सलफी कहते हैं, बदमाश और खबीस और बदबख्त, जो आले सऊद की तारीफ करते थकते नहीं,
वो फिल्म देखें, वो बदकारी करें, वो जिनाकारी करें, वो करोड़ों बर्बाद करें, वो उम्मत का पैसा लूटें, डकैतियां मारें, तब भी ये तारीफ करने वाले मुनाफिक या मुजरिम मुल्ला की तस्वीर रखने वाले शैतान हैं। ये कहते हैं कि हमास गलत, हमास ने क्यों हमला किया। आज भी ऐसे मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्ने उबई के टोले के लोग मौजूद हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को यह पहचान लेना चाहिए कि कौन है जो उनके खिलाफ जबान खोल रहा है, कौन है जो उनका तमाशा देख रहा है, और कौन है जो उनके गम में शरीक है, दुख में शरीक है, उनकी वजह से वो भी तड़प रहा है। कौन ऐसा है, कौन वैसा है, पहचान इससे है, पहचान इससे नहीं है कि कौन सलफी हो, कौन हनफी हो, कौन देवबंदी हो, कौन बरेलवी। ये सब बेकार की नस्बतें हैं, कोई हकीकत नहीं इन नस्बतों की। नस्बत जो है वो अल्लाह की है और रसूलुल्लाह की है। ताल्लुक अल्लाह से और रसूलुल्लाह से होना है। अपने अपने मसलक की जो डफलियां बजाते हैं ये मुजरिम किस्म के लोग, उम्मत में तफरीक करने वाले, उम्मत को बांटने वाले और तोड़ने वाले मुजरिम। बनना है मुसलमान, कोई बरेलवी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई सलफी नहीं, कोई खलफी नहीं। फजूल अल्फाज है, बकवास है ये, वो बकवास है जिसने उम्मत को तोड़ा है। इसलिए ये कहना है, अल्लाह ने, अल्लाह कहता है, अल्लाह कह रहा है कुरान में, ये कहो कि हम मुस्लिम हैं। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम कहा है, इसलिए मुस्लिम कहो। तारुफ में यह मत बोलो मैं देवबंदी हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं आला हजरत से ताल्लुक रखता हूं, मैं फला हजरत से ताल्लुक रखता हूं। किसी हजरत की नहीं चलेगी, सिर्फ सबसे बड़े हजरतों के हजरत, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, उनकी बात मानी जाएगी, उनका फैसला हो। मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए, जिस दिन वो इस जाल से निकलेंगे और मुस्लिम बन जाएंगे, पूरी उम्मत एक हो जाएगी, उस दिन फतेह ही फतेह, फतेह ही फतेह मिलेगी। और जब तक ये फिरकों में बटे रहेंगे और तकसीम दर तकसीम होते रहेंगे तो आपसी में मरेंगे, लड़ेंगे। एक बेचारी ऐसी जमात थी अल्लाह वाली, बस आखिरत की बात करती और आसमान की बात करती, जो छेड़छाड़ नहीं, यहाँ तक के मसलों में भी नहीं उलझती थी बेचारी तबलीगी जमात। उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी बदमाश मुफ्तियों ने नहीं छोड़ा, मुजरिमों ने, खबीसों ने नहीं छोड़ा। उस पर भी फतवे ठोक कर रहे, उसका भी खून बहा के रहे, उसको भी लड़वा के रहे, मस्जिदों को तोड़ के रहे, इन्हें चैन नहीं। तो ये है मुजरिमाना जहनियत जिसके ये सब नतीजे निकले पहले भी और निकल रहे हैं। इसलिए इनका खात्मा करना है, हमारा मिशन है कि हम इनका खात्मा करें। अलग अलग जमातें, ये इमारत वाली, ये शूरा वाली, बकवास है, बकवास। कोई माने नहीं ना शूरा के ना इमारत के, जूतों में इनको बसल दो। बात है अल्लाह रसूलुल्लाह की, काम करो अल्लाह के लिए। इसी बुनियाद पर बात होगी इदारों की, दारुल उलूमों की, जमीयतों की, जमातों की, इस बुनियाद पर होगी। और जो भी फिरके वारियत करेगा और बांटेगा मुसलमानों को, उसे हम दुश्मन समझेंगे, शैतान समझेंगे, यहूदी एजेंट समझेंगे। वो अल्लाह वाला नहीं, वो नबी वाला नहीं। बहरहाल अल्लाह ने यहां फरमाया कि जिन्होंने मजालिम किए उनसे इंतकाम लिया जाएगा, और लिया गया, यानी अमन की तारीख में उनका खात्मा किया गया। और इससे पहले जितने फिरौन गुजरे, मिस्र का फिरौन और इराक का नमरूद, उनका खात्मा किया गया, और मक्के मुकर्रमा का अबू जहल और उसका टोला, उसका खात्मा किया गया, और मदीने मुनव्वरा का अब्दुल्लाह इब्ने उबई और उसका टोला, उसका खात्मा किया गया।
ये सिलसिला चलता रहा। आज भी इंशाअल्लाह देर सवेर गज़ा वालों को बावजूद 30,000 और 35,000 लाशों के और फलस्तीन के लोगों को बावजूद इसके कि लाखों को बेघर किया गया और हज़ारों को शहीद किया गया, बहरहाल उनको फतेह होगी, बहरहाल उनको गलबा हासिल होगा, बहरहाल अल्लाह ताला सहयूनियों और सलीबियों का खात्मा करेगा। वक्त जितना लगे हम देखें या हमारी नस्लें देखें, कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये होकर रहेगा। तो जिसके अंदर ईमान है वो इस हकीकत को समझता है, और जो बेईमान है, खबीस, बदबख्त, वो दूसरे पहलू देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि गलबा किसके पास है। अमेरिका सुपर पावर है, हमें अमेरिका के साथ होना चाहिए। और फिर नतीजा उसका यह होता है कि आले सऊद अमरीकी कुत्ते और आले नहयान अमरीकी कुत्ते और पाकिस्तान की हुकूमत अमरीकी कुत्तों की हुकूमत, और यही सूरत हाल मिस्र की सीसी, ये यहूदियों का कुत्ता। अब ये ऐसी हकीकतें हैं कि रमजान में रोजे की हालत में कुरान सामने रखकर मैं कह रहा हूं, क्योंकि यही बयान है कुरान का, यही कहना है अंबिया का और रसूल खातिमुन्नबीजीन का। ये असल हकीकत है जो कड़वी है, लेकिन यही हकीकत है। इसी हकीकत को मानना है। मीठी मीठी बातें, नरम बातें, ऐसी बातें करो जिससे खुश रहो, वो तो बम से तुम्हारी इमारतें गिरा दें, और तुम मीठे बोल बोलो, सख्त बात ना की जाए। ये जो बोलता है ना, सख्त बात ना की जाए, ये खबीस, ये मुनाफिक, ये इस्लाम का घुसपैठिया, हाँ, ये जबान से भी हक नहीं बोल सकता, इसलिए ये बहानेबाजी करता है, हीला तराशी करता है, या झूठे अखलाक सिखाता है। बहरहाल कुरान पाक महफूज है, फरमाया जा रहा है अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद है, वो अर्श मजीद का मालिक है, और इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की जो पकड़ होगी वो बहुत सख्त होगी, वो दिखाएगा। जब भी पकड़ का वक्त उसके यहाँ तय है, जाहिर है कि हमारे यहाँ का 1,000 साल और अल्लाह के यहाँ का 1 दिन अब कोई नस्बत ही नहीं। हम अपने ज़माने के एतबार से बात सोचते हैं और चाहते हैं जल्दी बात पूरी हो, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान में जल्दबाजी है। और ये फरमाता है कि हम अभी ज़रा थोड़ा सब्र करो, हम नतीजा दिखाएंगे। तो वो नतीजा बहरहाल अल्लाह ताला दिखाएगा। हम लोग चाहते हैं जल्दी सामने आ जाए, और इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि वो जल्दी सामने आएगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यनबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से, लग्ज़िशों से, कोताहियों से, गफलतों से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमको अपनी याद में बसा दे, हमारे दिल को अपनी याद से ज़िंदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारे जिस्मों को अपनी शरीयत से मुज़य्यन फरमा दे, हमारे ज़हनों को अपने ज़िक्र से मुजल्ला फरमा दे। ए अल्लाह हमको अपनी अब्दियत के लिए कबूल फरमा, अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, उबूदियत के लिए कबूल फरमा, अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे रोज़े जो तेरी तौफीक से हैं, हमारी इबादत जो तेरी तौफीक से है, उसे कबूलियत का शरफ भी अता फरमा। रमज़ान अल मुबारक के गुजरने से पहले अल्लाह फैसला हमारी तरक्की का, हमारी खुशहाली का, हमारी इज्जत का, हमारी शौकत का, अल्लाह हर खैर का फैसला फरमा दे। अल्लाह शब कदर की वो दौलत अता फरमा दे जिसकी तलब में और तलाश में नबी पाक
علیہ الصلات والسلام اعتکاف پر اعتکاف کرتے تھے اور اس رات کی تجسس میں انتظار میں رہتے تھے. اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت بھی عطا فرماؤ, سیرت بھی عطا فرماؤ, نسبت بھی عطا فرما, اور شب قدر کی طلب بھی نصیب فرماؤ, پھر شب قدر کی دولت عطا فرما, اس کی نعمت عطا فرما, اس کے اچھے فیصلے نصیب فرما, اس کی برکات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ایسی شب قدر عطا فرما دے کہ بس سال بھر سعادتیں مل جائیں, خوشحالیاں مل جائیں, ترقیاں مل جائیں, ہمارے مجاہدین فتح کے پورے رے لہرا دیں. اے اللہ فلسطین کی سرزمین پر حق کا جھنڈا بلند ہو جائے اور دنیا کے ہر ملک میں اے اللہ تیرے ایمان والے مضبوط ہو جائیں, ان کے قدم ثابت ہو جائیں, ان کی زندگی مستقیم ہو جائے. اے اللہ اس دین متین کی نشر و اشاعت کے راستے کھول دے, جن کے دل بند ہیں ان کے دلوں کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہدایت کو عام فرما, اے اللہ ہدایت کو عام فرما. اے اللہ مسلمانوں کو بھی صحیح شعور نصیب فرما اور توبہ کی توفیق عطا فرما, حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت اور پوری ملت کو ایک اکائی بنا دے. اے اللہ سب کے قلوب میں الفت اور انس اور محبت پیدا فرما. اے اللہ نفرتوں کو, عداوتوں کو, بغض کو, کینے کو, حسد کو اور تمام طرح کی باطنی برائیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں اسلام کے پیمانے پر ہمیں ناپ دے اور اسلام کی ترازو میں ہمیں تول دے اور پھر اس کے بعد ہم کو معیار حق بنا دے. اے اللہ حق پہ چلنے والا, صراط مستقیم پر گامزن ہونے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے حق کی ایسی توفیق عطا فرما کہ اسی کو بولیں, اسی کو لکھیں, اسی کو سوچیں, اسی کی بات کریں, اسی کی دعوت دیں, اسی کے عطر کی خوشبو پھیلائیں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے مقدر فرما. ہم میں سے جو بھی گزر چکے, اس دنیا سے جا چکے, ان کی مغفرت فرما, ان پر رحم فرما. اے اللہ جو بھی ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ جو بھی کسی طرح بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, ذہنی سکون بھی عطا فرما, نفسیاتی سکون عطا فرما, جسمانی عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں راحت عطا فرما اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, خواتین کی حفاظت فرما, ہر فتنے سے ہماری تمام نسلوں کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.